सिर्फ 2 दिन में शरीर की सभी बंद नसों को खोल देगा इस नुस्खे का सिर्फ 1 गिलास। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर के सभी बंद नसों का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो बंद नस सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो। यानी एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर की हर बंद नस को खोलने का इलाज है ये चमत्कारी घरेलू नुस्खा। दोस्तों, ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल सही कर देगा। उसको सही करने के साथ आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा। और दोस्तों, यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तब आपको कभी जीवन में हार्ट ब्लॉकेज भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर की जो हार्ट ब्लॉकेज का मुख्य कारण है वो होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और यदि आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी तब आपको कभी जीवन में हार्ट अटैक नहीं आएगा। यानी ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और हार्ट अटैक का भी इलाज करेगा, आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा और आपके शरीर की सिर से लेकर पैर तक की सभी बंद नसों को भी खोल देगा। इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। और दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेज होती है, यदि कोई भी बंद नस होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण ही, इस बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण ही हमारे शरीर में ब्लॉकेज होती है, क्योंकि ये हमारी नसों में जम जाता है और जिसके कारण हमें ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत बार हार्ट अटैक भी इससे आ जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको हर रोज पालन करना चाहिए, ताकि आपको जीवन में कभी इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या ही ना आए। यानी उस कारण का ही इलाज हो जाए, और यदि वो कारण नहीं होगा तब आपको ना हार्ट अटैक आएगा ना हार्ट ब्लॉकेज होगी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, आपको रिफाइंड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, शुगर, व्हाइट शुगर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का सेवन भी आपको कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, ताजा आपको भोजन खाना चाहिए, यानी फास्ट फूड और अधपके खाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में खाना चाहिए और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आपको मछली का सेवन भी करना चाहिए, शराब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और नियमित आपको व्यायाम और सैर करनी चाहिए यदि आप इस कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हमेशा बचे रहना चाहते हैं। और यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब आपको अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप ये सब काम करेंगे तब आपको जीवन में कभी इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा उसका कारण यही होता है। अब जानते हैं उस चमत्कारी नुस्खे के बारे में जो आपके शरीर की सभी बंद नसों को खोल देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा, हार्ट अटैक को आने से रोकेगा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है 1 कप किशमिश, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच कटा हुआ अदरक और 4 चम्मच ग्रीन टी। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों, सबसे पहले पानी को उबलने के लिए आग पर रख दीजिए। जब पानी उबल जाए तो इसमें ग्रीन टी को डाल दीजिए और उसको उबलने दें। 2 मिनटों के बाद इसमें किशमिश डालकर, किशमिश को डालने से पहले आपने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है और डालकर 10 मिनटों तक धीमी आग पर आप पकने दें। अब इस मिश्रण में अदरक डाल दें, उसके बाद इस मिश्रण में आग से उतारकर शहद मिक्स कर दें और दोस्तों आपका मिश्रण रेडी है। अब इस मिश्रण को आप ठंडा होने दें। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। रोजाना खाने से पहले इस मिश्रण के 2 चम्मच लेकर आपने 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में घोलकर इसका आपने सेवन करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाने से पहले आपने इस मिश्रण का सेवन करना है। और यदि आप सुबह खाली पेट करेंगे तब और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे, यानी खाली पेट का मीनिंग खाने से थोड़ी देर पहले का है, बिल्कुल खाली पेट आपने इसका सेवन नहीं करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके शरीर की हर ब्लॉक नस खुल जाएगी, आपको कभी इस हार्ट ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या होगी और ना ही दोस्तों आपको हार्ट अटैक आएगा। इतना चमत्कारी है इस नुस्खे का सेवन। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर की सभी बंद नसों को आज ही खोल दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।